नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हैं बौछार पंचायत में। ग्रामवासी बौछार के समस्त गणमान्य नागरिक, युवा साथियों और दूर ग्रामों से पधारे हमारे सम्मानी सभी अतिथिजन, आप सभी का ग्राम बौछार और आदरणीय गुरुदेव को प्रणाम।
सभी को ग्राम बौछार स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। आज हमारे बीच सभी के दिलों पर राज करने वाले हमारे जननायक सम्माननीय शेखर चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सम्माननीय शेखर भैया विधायक ना होने के बावजूद भी स्वास्थ्य से संबंधित मेडिकल में सहयोग, ऐसे काम करने वाले, जन जन के दुख सुख में खड़े होने वाले, और मैं उनके बारे में क्या बताऊं, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या मेडिकल से आ जाती है तो आपके बीच में मात्र दूरभाष के नंबर से आप से संपर्क होता है, और मोबाइल से संपर्क होने के बाद अधिकतम 30 मिनट एक घंटे के अंदर आपकी समस्याओं का हल सम्माननीय हमारे शेखर भैया ने किया है। और आप बौछार में देख रहे हैं ये पानी टंकी, यदि वो देन है तो सम्माननीय हमारे शेखर भैया की। उसके बाद करकबेल में अस्पताल, ये जो शासकीय अस्पताल है वो शेखर भैया जब विधायक थे उनकी देन थी। दूसरी उपलब्धि आपसे बता दूं, ग्राम पंचायत बौछार में कन्या माध्यमिक शाला का भवन और कन्या माध्यमिक शाला की अलग से मान्यता सम्माननीय शेखर भैया ने दी। इसके बाद छोटे से मुसरान हाई स्कूल के बाद बता दूं, प्राइवेट संस्था थी लेकिन चाचा जी के साथ मिलकर इन्होंने कदम से कदम मिलाकर माननीय वित्त मंत्री महोदय जी के माध्यम से आज बौछार में 9वीं से लेकर 12वीं तक का हाई स्कूल दिया। ये बहुत बड़ी सौगातें हैं। इनके बारे में यदि बताना चलूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसे चहेते किसी की आवश्यकता नहीं है कि वरुण सक्सेना फोन करेगा या कोई करेगा तब काम होगा। आप आजमा लेना, और मैंने सबने आजमाया भी है कि कम समय में कोई भी व्यक्ति फोन करता है तो वो दूरभाष उठाते हैं, बात करते हैं और स्वास्थ्य से संबंधित सेवा उपलब्ध कराते हैं। कोरोना जैसे काल में अच्छे अच्छे नेता चाहे किसी पार्टी से हो सब घर पे बैठे थे, लेकिन एक व्यक्ति माननीय शेखर भैया हमेशा कोरोना काल में जबलपुर मेडिकल में उपस्थित रहे हैं। चाहे खून की बात आ जाए, ऑक्सीजन की बात आ जाए, चाहे बेड की बात आ जाए, लेकिन भैया ने भरसक प्रयास करके सबका सहयोग किया है। ऐसे हमारे ये जननेता हैं, इनके बारे में मैं और क्या बताऊं। सबसे बड़ा तो मान सम्मान, छोटे से भी गले लगाते हैं, बड़ों को भी गले लगाते हैं, बुजुर्गों भी गले लगाते हैं। ऐसे सम्मान करने वाले शेखर चौधरी जी का हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बात और, सम्मान में जब भी बात भैया की बात आती है कोई चीज नहीं रहे, एक छोटा से ट्रांसफर की बात आती है तो माननीय कमलनाथ जी से यही शख्स थे जिन्होंने हम लोग का सहयोग किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आगे ज्यादा बात नहीं रखूंगा, सीधे में लिए चलता हूँ आपके दिलों पर राज करने वाले। और यदि आपकी पहचान है तो शेखर भैया नाम ही काफी है, शेखर चौधरी नाम काफी है। एक नारा है, ये किसी दल के नहीं दिल के प्रत्याशी हैं। दूसरी बात, दिल के प्रत्याशी वास्तव में, दिल से वोट देना, दिल से अपना आशीर्वाद देना सम्माननीय शेखर भैया को। दूसरी बात, दिल और दल छोड़ के दिल के प्रत्याशी, और एक नारा और मुख्य था, ये चुनाव नहीं लड़ रहे थे, मना कर दिया था। हम सब लोग ऐसे दो चार दस गांव के, 50 गांव के व्यक्ति बैठे थे गोटे गांव में, और भैया से बोला था कि आपको फॉर्म भरना है, चुनाव लड़ना है, जो होगा वो देखा जाएगा। रण में धुरंधर बैठे हैं, एक जगह मंत्री, एक जगह विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे ऐसे इनके विरोध में है, लेकिन ये इनका प्यार, इनका व्यवहार आज आगे आ रहा है और व्यवहार ही जीत रहा है। इनका एक नारा, मैं ही शेखर चौधरी हूँ। इस संकल्प के साथ हम सभी शेखर भैया के साथ हैं, क्योंकि बौछार गांव का आशीर्वाद, बौछार गांव के मतदाताओं का आशीर्वाद हम सभी को बहुत जरूरी है। आपके आशीर्वाद के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, इसलिए गांव बौछार की जनता मतदाताओं को शेखर भैया की तरफ से और मेरी तरफ से सत सत नमन, वंदन, अभिनंदन। आइए अब हम सुने हमारे जननायक दिल के प्रत्याशी सम्माननीय शेखर चौधरी जी। कोई और बोलना चाहेगा क्या? किसी और को बोलना हो,
शेखर भैया के बारे में? नहीं, बारे में नहीं, क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र के बारे में कोई समस्या हो ऐसी जटिल? बारे में तो तुमने बहुत बोल दिया। कोई बोलना चाहे तो बिल्कुल यहाँ पर आप। सबसे पहले देखिए, हम लगातार 15 दिन से चिल्ला रहे हैं और गला भी साफ नहीं दे रहा, बैठ गया है थोड़ा, आप अन्यथा मत लीजिएगा। सबसे पहले बौछार ग्राम के सभी देवी देवताओं को और खेर माई को के चरणों में प्रणाम, और नर्मदा मैया के चरणों में प्रणाम, और विराजे सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। मंच में विराजमान सभी विप्रजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, नौजवान साथियों को प्यार से नमस्कार करता हूँ। साथियों, आप सब जान रहे हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में एक से एक प्रत्याशी आपके मैदान में। मैं बहुत छोटा सा हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी, लेकिन इस छोटे से प्रत्याशी को आपने दल के प्रत्याशी से कहीं ज़्यादा बड़ा कर दिया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और इतना बड़ा जनसमूह, इतना बड़ा सहयोग, इतना बड़ा आशीर्वाद इतने लोगों का मिला, कभी नहीं सोचा था, ना कभी कोई सोच सकता है। ये गोटे गांव की जनता का प्यार है जो मैंने 30 साल में आप लोगों के साथ किया, उसका व्यवहार आपने हमें इतने प्यार से लौटाया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मुझे टिकट मिली, मुझे जितनी खुशी थी, ये ईश्वर की के दरबार पे मैं बैठा हूँ, मैं पूजा करने के लिए अपने दिए को जलाने के लिए माचिस ऐसे करने वाला था, इतने फोन बजने, मेरी आदत है मैं फोन पूजा के पास रख के बैठता हूँ, इतने फोन बजने लगे मैं 2 घंटे तक दिया नहीं जला पाया, जब मेरे को बधाइयाँ मिल रही थी। तो मैंने अपने श्रीमती जी को बुलाया कि तुम जल्दी से नहा के आओ, पूजा करो, कि ना तो मैं दिया जला पा रहा हूँ, ना बात कर पा रहा हूँ, ना पूजा कर पा रहा हूँ। हमने कहा भगवान से, मैंने फिर जल्दी से दिया जला के क्षमा मांगा, क्षमा मांग के हमने कहा प्रभु आज माफ़ कर देना, आपकी कृपा से सब हो रहा, मैं इस नालायक को क्या मालूम क्या हो रहा। श्रीमती जी आई, उनने पूजा सब व्यवस्थित की, जितनी खुशी मुझे हुई उससे कहीं ज़्यादा खुशी पूरे क्षेत्र के लोगों को हुई कि मुझे 20 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। ले वो खुशी ज़्यादा दिन नहीं, 4 दिन में कांग्रेसियों ने मुझसे छीन ली, कांग्रेस के नेताओं ने। जब सर्वे के आधार पर 4-4 सर्वे ऑल इंडिया कांग्रेस ने कराया, जब मुझे 1 नंबर पे दिया, और फिर आप बोल रहे थे हम पैराशूट से नहीं देंगे, तो फिर 4 दिन में ऐसा कौन सा सर्वे हो गया जो 4 सर्वे को फेल कर दिया? तो हमको उसमें नहीं जाना है, लेकिन ठीक है, हमने तय कर लिया, तब क्या करें। फिर क्षेत्र के बहुत सारे लोग आए, जिनको दुख हुआ वो हमारे कार्यालय में आए, गोटे गांव में सैकड़ों गांव के लोगों ने कहा कि अपने को कदम पीछे नहीं हटाना है, या तो पार्टी टिकट नहीं देती तो चल जाता, 5 साल और इंतज़ार कर, लेकिन टिकट दे के काट के कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस शब्द के साथ सब लोगों ने बहुत डांस दिया मुझे कि अब आप चुनाव लड़ो, हम लोग चंदा करके चुनाव लड़ाएंगे, अपने पंचायत अपने पोलिंग बूथ की जवाबदारी लेके चुनाव लड़ाएंगे। इतना हौसला जब मुझे मिला, मेरी औकात नहीं थी कि विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ सकूं, बहुत महंगे चुनाव हैं, मेरी हैसियत से बाहर है, वो तो पार्टी से लड़ा जाता है, तो पार्टी 2-4 करोड़ रुपए देती है, तो पैसा पानी की तरह बहता है, तो हमको भी आपके आइए भैया, सब लोग अपनी जगह बैठे रहिए, आइए आप आइए, ऐसे आइए ना, अरे अभी इतने भी सियाने नहीं हो गए आप, हम लोगों से ज्यादा जवान हो अभी, लोग दद्दा जी बोलते थे अपन बुड्ढे थोड़ी ना हो गए। आइए, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो जब हम पर्चा भरने के लिए जा रहे थे, उससे पहले पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, सभी लोगों से, लोगों ने संपर्क किया कि आप लोग नामांकन भरने के दिन अपने अपने वाहन में अपने अपने लोगों को लेके आएंगे, कोई वाहन किराए का जिसको जैसा लाना लाए, लेकिन अपने वाहन से आए। और लोगों ने वो करके दिखा दिया जो मध्य प्रदेश और देश के इतिहास में किसी ने इतनी बड़ी रैली
किसी के नामांकन में नहीं। जब नामांकन भरा गया उसके एक दिन पहले कमलनाथ जी का फोन आता है, उन्होंने हमसे कहा शेखर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं तुमको टिकट दे के और इन दोस्तों ने तुम्हारी टिकट कटवा दी। नाम लिया उन्होंने दिग्विजय सिंह और ये विवेक तनका, सुरेश पचौरी और आश्रम के लोगों का नाम लेके कहा इन लोगों ने तुम्हारी टिकट कटवा दी, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने कहा साहब आपका बड़ी कृपा है और आपकी कृपा से टिकट मिली। बोले क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे क्षेत्र की जनता ने तय कर लिया कि चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगा। बोले ऐसा क्यों? हमने कहा क्यों का जवाब जनता देगी क्यों। तो बोले नामांकन कब कर रहे? तो हमने कहा कल कर रहा हूँ नामांकन। बोले एक बार विचार करो। हमने कहा कल विचार करेंगे। बोले क्यों? हमने कहा अगर हमारी रैली में एनपी भाई के रैली से 100 वाहन कम होंगे या 100 लोग कम होंगे तो मैं अपना नामांकन वापस ले लूँगा। जब रैली गई उसकी समाचार उनके पास पहुँचा तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था तुम स्वतंत्र हो, तुम जो करना चाहो तुम करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरे नेता का मुझे आशीर्वाद था। आज तक की डेट में लोग मर गए कमलनाथ जी का कार्यक्रम गोटे गांव में मांगते मांगते। कमलनाथ जी ने कहा कि जिन लोगों ने तुमको टिकट दिलाई उनकी सभा करवाओ गोटे गांव में, उनकी सभा कराओ। सुरेश पचौरी जी कहाँ वोट मांगने गए थे? श्रीनगर के पास गौरतलाब मांगने गए थे वोट। ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जज्बा बना दिया गोटे गांव ने। और हमारे लोग इतने वजनदार हैं कि आप देख लो। आइए आइए, सबको प्रणाम। हमारी सरपंच मोदिया जी आ गई है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, बैठिए। और आज तनका जी गोटे गांव में रोड शो कर रहे हैं, करकवेल में है। देखिए आप, ये राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का स्तर हमारे नेताओं ने ये कर दिया। हाँ, और मैंने कहा ना, हमारे जब नारे बने तो उन्होंने कहा कि दल का नहीं दिल का प्रत्याशी, और मैं भी शेखर चौधरी के रूप में ये सब बैठे हैं। और जब ये सब चलने लगा तो फिर दिल्ली से नेताओं के फोन आने लगे बात करने के लिए कि एक बार बात कर लो। तो मैंने कहा बात कराओ। तो जब नेताओं से बात हुई तो मैंने कहा साहब जब मैं मिलने आता था तो आपके पास टाइम नहीं रहता था, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चुनाव के बाद बात करूंगा। मैंने कहा आप चुनाव के बाद बात करूंगा। बोले ऐसा क्यों? हमने कहा अगर आपको बात करनी है तो गोटे गांव आइए, हमारे इन सब लोगों से बात करिए, वो तैयार तो मैं तैयार, वो नहीं तो वो जूते मारेंगे मुझे। अब चुनाव में अपन बहुत दूर तक अच्छी स्पीड से अपनी गाड़ी चल रही है, आप लोगों के सहयोग से गाड़ी स्पीड से चल रही है। नहीं, मेरी औकात नहीं थी कि हम यहाँ इतने लोगों को निर्दलीय में खड़ा कर पाते, इकट्ठा कर पाते। अब नए हथकंडे अपनाए जाएंगे। कौन से? एक पर्चा छपवाया जाएगा, दिखाओ कि पर्चा कोई भी होगा, पर्चे में छपवाया जाएगा कि शेखर चौधरी ने फलाने को समर्थन दे दिया। गलत नहीं बोल रहा हूँ। और दूसरा, या शेखर चौधरी का चुनाव चिन्ह बदल गया, इस हथकंडे में मत आना। आप, मैं आपके सामने मंदिर में मैया के सामने बोल के जा रहा हूँ, कोई भी ऐसा कृत्य करे अगर आप पकड़ के रख लो, मैं उसको इतने जूते मारूंगा कि उसकी दादी याद आ जाएगी। अब मैं दिखाऊंगा कि खटीक होता क्या है। पकड़ के रख लो आप, कोई भी अगर आपसे बदतमीजी करे आप पकड़ के रख लो, मैं एक घंटे में आपके पास आऊंगा। दूसरा, अब वो दारू मुर्गा पैसा कपड़ा लत्ता बांटेंगे। क्यों? कि 5 साल में एक बार आते हैं वोट मांगने आपके पास में, आपके वोट से विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। फिर जब कोई काम करने आता है, जाता है, कराने जाता है तो बोलते यार हम तुम्हारे बूथ से हार गए। अरे हार गए, जितने लोगों ने वोट दिया बच्चों के लिए तो काम करो। दूसरा, कि कोई फोन करता है तो बोले टाइम नहीं है, बोले रघुवंशी से बात करो। 25 लोगों को लेके आओ। हाँ, किसी को अगर स्कूटर चाहिए तो बोले 25 लोगों को लेके आओ, किसी को अगर किट चाहिए तो 50 लोगों को लेके आओ। एहसान जता रहे हो? ये एहसान नहीं, तुमको इस लायक लोगों ने बनाया जो तुम कर रहे हो उसके लिए। ये एहसान की बात नहीं है कि 25 को लाओ या 50 को लाओ। हमने तो इतने जो बड़े बड़े काम बौछार में कर दिए, कभी किसी से नहीं कहा कि किसी से लिखवा के लाओ या किसी को बुला के लाओ। गलत बोल रहा हूँ तो बता दो आप।
दूसरा दारू मुर्गा पैसा कपड़ा लगता सब बांटेंगे। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ आप ले लेना, लेकिन वोट उनको मत देना, क्योंकि दोनों दल के पास बहुत पैसा है, अपन उनके पसंगे में नहीं है। हमारे पास ये जनता का पैसा है, एक एक जन जो खड़े हैं, ये वो वजन है, ये वोट का वजन है। उनके पास अगर नोट का वजन है तो हमारे पास ये वोट का वजन है, ठीक है ना। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, अब दो दिन अपने बूथ की अपने को रखवारी करनी पड़ेगी, कोई बाहर का भड़े आके हमारे बूथ को लूट ना ले जाए। कि 1 लाख फेंक गया कि भैया तुम बांट लेना, 10 पेटी रख गया कि तुम बांट देना। अगर ऐसी कहीं व्यवस्था हो तो बताओ, अपन खुद ही लूट लेंगे। इस आशा के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि पूरा सहयोग और आशीर्वाद 17 तारीख को ये 10 नंबर की पटन में जो माचिस है ना, इतनी दब जाए कि बटन घुर जाए। ये देखिए ऐसे ऐसे अपने, अरे सब पढ़े लिखे लोग हमारे जैसे बेवकूफ थोड़ी ना, ये 10 नंबर में अपने को ऐसे लगाना है, ऐसे आवाज करेगी ये जमा से जगह। हाँ माचे से नीचे नोटा भी भैया, हाँ गलती से नोटा की बटन ना दबा देना, अपने को नोटा के ऊपर वाली दबा के अपना लोटा भरना है तो यही कहने आया हूँ, क्योंकि अगर अपन अभी घूमने चले जाते तो ये सब लोग हमको नहीं मिल पाते, इसलिए मैंने अपनी बात कह दी। और चुनाव में समय 1 दिन का बचा है, कल का कल प्रचार बंद हो जाएगा। हमारे अभी बहुत सारे गांव बाकी हैं जहाँ नहीं जा पाया हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दे तो यहाँ से ढकेल के भगा दूँ तो हम लोग चले जाएँ दूसरी जगह, क्योंकि हम चाहते हैं दूसरी जगह अपना थोड़ी थोड़ी देर के लिए हो आएँ। क्योंकि घाट पिंडरी, मगरदा, बेलघेड़ी, देवनगर और सिमरिया, ये बड़े बड़े गांव आज हमने पकड़े हैं, और आखिरी में हम लाट गांव जाएंगे रात को 9-10 बजे। तो इतनी कृपा अगर आप लोग कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। चुनाव के बाद मैं एक एक गली नहीं एक एक घर घूम लूंगा। अगर आप लोग, वरुण भाई कहाँ गए? वरुण भाई, अरे हाँ, सब लोग जिनके पास मोबाइल है आप चालू कर लो, मेरा नंबर ले लो। वैसे 10-20-25-50 लोगों के पास होगा, हम तो बोलते हैं क्षेत्र में हर घर में मेरा मोबाइल नंबर, किसी को भी कोई भी जरूरत पड़े तो फोन कर देना। आपको किसी से फोन करवाने की जरूरत नहीं है। 94-25-15-15-13 फिर से बोल रहा हूँ, 94-25-15-15-13 और कल एक गोटे गांव में रैली, पैदल रैली का छोटी सी यात्रा रखी है, ठाकुर बाबा मंदिर के पास दुर्गा मंदिर है, वहां से अपन यात्रा शुरू करेंगे। हम उस यात्रा को बड़ी शालीनता के साथ और धैर्य के साथ 10-10:30 बजे अगर आप पहुंच जाएंगे, 2 बजे तक अपन फ्री हो जाएंगे। रैली को बाजार से सरापा से होते हुए फुवारा चौक तक, पेट्रोल पंप और फुवारा चौक ला के 11 बजे से